हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एनिमेशन ऐड की हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर होता है हमारा जो एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। ये हमारी एसी इनपुट होती है और ये हमारी डीसी आउटपुट होती है, ठीक है। तो जब हमने ट्रांसफार्मर यूज करना है तो ट्रांसफार्मर हमारे दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। हमारा जो प्रिंसिपल है इस ट्रांसफार्मर का वो है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन का क्या मतलब है कि जो हमारी प्राइमरी कॉइल होगी, तो मैं आपको एक कॉइल बना के दिखाता हूं। तो ये हमारी जो प्राइमरी कॉइल आपको नजर आ रही है, इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है, ये हमारा एसी इनपुट है लेफ्ट साइड पे, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है। लेकिन यहां पे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर मैं इसके नियर अबाउट एक और कॉइल नजदीक लेके आऊं, तो आप देख सकते हो कि अगर दूसरी कॉइल इसके स्टूडेंट्स नजदीक आ रही है यहां पे, तो इस दूसरी कॉइल में जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, इसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर हो रही है। तो यही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की पोलैरिटी कैसे एंटर हो रही है, क्योंकि यहां पे ये एसी है नॉर्थ, यहां पे एक टाइम पे नॉर्थ बन रहा है, फिर साउथ बन रहा है। जब एसी का दूसरा साइकिल आता है तो यहां पे साउथ का नॉर्थ बन जाता है, नॉर्थ का साउथ बन जाता है। जब इसमें एंटर होगी तो इसमें करंट फ्लो करेगा, या तो करंट इस साइड फ्लो करेगा फिर इस साइड फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी। तो ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल है। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि स्टेप और स्टेप डाउन क्या होता है, ठीक है। यहां पे मेरे पास प्राइमरी कॉइल्स की टर्न्स हैं ज्यादा, तो यहां पे एनपी है और यहां पे एनएस है। तो एनपी इज ग्रेटर देन एनएस, सो इफ एनपी इज ग्रेटर देन एनएस द ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप डाउन, ठीक है। और अगर हमारे पास एनएस ज्यादा है एनपी कम है तो डेट इज कॉल्ड स्टेप अप। तो यहां पे मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कम है और यहां पे है ज्यादा, तो दिस इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो हम यहां पे दो तरह के ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, यहां पे आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा। तो ये स्टेप अप कैसे होता है, स्टेप डाउन कैसे है। यहां पे जो हमारी इनपुट वोल्टेज है वो हमारी ऐसे आएगी, ठीक है। लेकिन जब हमने स्टेप डाउन कर दिया तो यही वोल्टेज हमारी इस तरह से आएगी, और ये हमारी इनपुट वोल्टेज है वो इस तरह से आएगी। लेकिन जब हमने स्टेप अप कर दिया तो ये वोल्टेज हमारी ऐसे आएगी, ठीक है। यहां पे स्टेप अप हो रहा है, यहां पे स्टेप का डाउन हो रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में ये इस एनिमेशन में हमें नजर आ रहा है कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, यहां पे लेफ्ट साइड पे एसी की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, उसी तरह से डीसी की फ्रीक्वेंसी भी आप देखिए वहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। जो हमारे डीसी आउटपुट राइट साइड पे मिल रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स स्टूडेंट्स ज्यादा इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, उतना हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा। आपको एनिमेशन से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा थ्योरी पोर्शन। तो थ्योरी पोर्शन में हमने ये पढ़ना है कि अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, या वो एनएस है या वो एनपी है, वो डायरेक्टली पोर्शन किसके होंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो मैंने डायरेक्टली पोर्शन मैग्नेटिक फ्लक्स का रिलेशन लिखा है। तो अगर मैं इसको इस टाइप से लिख लूं, दोनों को डायरेक्टली पोर्शन करके फिर साइन हटा दूं, तो मेरे पास आ जाएगा और फाइव पी बाय फाइव एस इज इक्वल टू एन पी बाय एनएस, क्योंकि जितने हमारा नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, तभी हमारा स्टेप डाउन और स्टेप अप हो रहा था। तो यहां से मैं फाइव पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी बाय एन एस इंटू फाइव एस। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दूं, डी फाइव बी बाय डी टी कर दूं, और इस साइड भी एन पी बाय एन एस को डी फाइव एस बाय डी टी कर दूं, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये हमारा आ जाएगा इंड्यूस डी एम एफ ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू एन एस बाय सॉरी एन पी बाय एन एस इंटू इंड्यूस डी एम एफ ऑफ सेकेंडरी। तो इसको सेट करके लिख लेते हैं, इंड्यूस डीएमएफ ऑफ प्राइमरी बाय इंड्यूस डीएमएफ ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू एन पी बाय एन एस, ठीक है। और इस
तो अगर स्टूडेंट्स मैं दोनों साइड यहां पे रेसिप्रोकल कर दूं, मैं यहां पे लिख देता हूं ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी, तो इसको हम बोलेंगे के। तो के इज द कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है व्हाट इज एफिशिएंसी, ईटा। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारा आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो जो हमारी आउटपुट है वो सेकेंडरी कॉइल दे रही है, तो मैं यहां पे लिखूंगा पीएस बाय पीपी, पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो पावर का हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पी इज इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ईटा इज इक्वल्स टू पीएस, पीएस मीन्स ई एस इंटू आई एस और ईपी इंटू आईपी। ठीक है, तो ये प्राइमरी के लिए, ये सेकेंडरी के लिए। इफ ईटा इज इक्वल्स टू वन, अगर हमने ईटा को वन पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, ई एस बाय आई एस इज इक्वल्स टू ई पी बाय आई पी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर हमने करंट्स निकालने हैं तो मैं लिख दूंगा यहां पे ई एस बाय ई पी इज इक्वल्स टू आई पी बाय आई एस। ठीक है, और अगर मैं सारे इस सारे फॉर्मूले को, टोटल फॉर्मूलाज को, इनको मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास आएगा, यहां से आ जाएगा ई एस बाय ई पी इज इक्वल टू एन एस बाय एन पी इज इक्वल टू आई पी बाय आई एस इज इक्वल टू के। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन गया। अगर हमारे पास स्टूडेंट्स लोड गिवन है, अगर लोड गिवन है तो लोड मीन्स इस साइड लोड है हमारा, डीसी आउटपुट को हमारा लोड है, तो लोड मीन्स हम यहां पे किसी भी चीज की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा करंट यहां पे आएगा तो वो आई एस आएगा और इस साइड वाला करंट हमारा आएगा आई पी आएगा। ठीक है, तो अगर लोड है तो हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल आएगी। अगर हमने रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला सिंपल लगाएंगे ई एस इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, तो ई एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर एस। अगर हमने ई पी निकालना है तो वो हम निकालेंगे आई पी इंटू आर पी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का टॉपिक था जिसमें हमने ये सारे फॉर्मूले यूज करने हैं। तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से ये वीडियो देख लो और ये न्यूमेरिकल्स कैसे आपने सॉल्व करने हैं, फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।